हम लोग जब तक इस लोकतंत्र नहीं बचेंगे तब तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये राहुल जी का डिस्क्वालीफाई को सदस्यत्व बचाने के लिए नहीं है, इस देश का लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए है ये लड़ाई। कई नेताओं हुए गिरफ्तार, 200 से ज्यादा कांग्रेस का समर्थन तहस नहस मचा दिए रोड पर। बता दें कि शहर कांग्रेस के आह्वान पर शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन एवं स्मरण पत्र देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता काले कपड़े पहनकर महाराणा प्रताप ब्रिज पर एकत्रित होकर हेलीपैड पर जाने हेतु रैली के रूप में आगे बढ़े। राम मंदिर चौराहे पर पुलिस प्रशासन द्वारा चारों तरफ से घेर कर आगे बढ़ने से रोका। इसके विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता राम मंदिर चौराहे पर धरने पर बैठ गए। इसके पश्चात पुलिस ने प्रशासन ने चारों तरफ से घेर कर बलपूर्वक बस में बिठाकर सोलाना की ओर रवाना कर दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारे हवा में उड़ाकर अपना विरोध दर्ज कराया। शहर कांग्रेस की तरफ से एक ज्ञापन एवं स्मरण पत्र शिवराज सिंह चौहान के नाम एसडीएम पांडे को सौंपा गया। शिवराज सिंह चौहान पूर्व में भी रतलाम से संबंधित कई घोषणा कर चुके हैं जिनका क्रियान्वयन आज तक नहीं हुआ है एवं आए दिन कमलनाथ के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इसी बात को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने कहा, प्रशासन द्वारा एवं औद्योगिक क्षेत्र पुलिस द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। कई कार्यकर्ता जो गिरफ्तारी देने जा रहे थे उन्हें जबरदस्ती लठ मार कर भगाया गया और महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। बता दें कि इस अवसर पर शहर कमेटी कांग्रेस की अध्यक्ष महेंद्र सिंह कटारिया के साथ 200 से भी ज्यादा लोग शामिल थे ऐसा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश पटेल भी उसमें शामिल थे, उनके साथ भी लोग शामिल थे। तो बताया जा रहा है कि ऐसा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जिस तरीके से बीजेपी सरकार को अफरा तफरी मचाने पर मजबूर कर दे रही कांग्रेस को। तो इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं।